आप कपड़े नए लेके आते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं, मैले कुचाले हो जाते हैं, तो आप ऐसा तो है नहीं कि कपड़े उतार के फेंक देते हो, आप अपने कपड़ों से मैल को उतार के और उनको धुल के और प्रेस करके फिर से उनको नए जैसा बना लेते हैं। तो हम भी आज की वीडियो में यही कोशिश करेंगे कि जब आपका इंजन ऑयल यूज हो जाता है तो उसमें बहुत सारी गंदगी आ जाती है, पार्टिकल्स आ जाते हैं, मेटल रब करते हैं, गियर रब करते हैं, उसके कुछ बारीक बारीक पार्टिकल्स होते हैं, कुछ डस्ट होती है, कुछ डर्ट होती है। तो ऐसी चीजों को अगर हम उससे रिमूव कर दे, जैसे कि हम कपड़े से मैल रिमूव कर देते हैं, तो वो नया तो नहीं बनेगा लेकिन नया जैसा जरूर बन जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखने की कोशिश करेंगे कि आप अपनी गाड़ी के यूज इंजन ऑयल को कैसे नया नहीं लेकिन नया जैसा जरूर बना पाएंगे। तो आज की वीडियो में मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें कि मैंने बाइक या गाड़ी के यूज इंजन ऑयल को घर पर ही बिना किसी पैसे को खर्च किए आप खुद से बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे फिल्टर कर सकते हैं, इस पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। तो अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट मेरा पसंद आता है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इंजन ऑयल ड्रेन करने के लिए सबसे पहले आपको फिलिंग कैप को खोलना होगा। ये कैप आप खोल लीजिए। इसके बाद आपको नीचे आपके ऑयल टैंक के नीचे एक बोल्ट दिख रहा होगा ड्रेन के लिए, जो ड्रेन वाला जो बोल्ट होता है उसको आप खोल लीजिए। मेरी बाइक के केस में ये 16-17 के स्पैनर से खोलते हैं। इसके लिए आप कभी भी नॉर्मल ताली का यूज़ मत करें, इसके लिए आप रिंग स्पैनर, ये वाला जो इसको आप पन्ना बोलते हो या रिंग स्पैनर बोलते हो, इसका यूज़ करें, क्योंकि उससे क्या है फ्री हो जाती है, इसको थोड़ा ज़्यादा टाइट भी रहता है बोल्ट। ये आप खोल लीजिए। चाबी का प्रयोग ना करें, स्पैनर का, रिंग स्पैनर का प्रयोग करें, पन्ना का प्रयोग करें। ये मैंने खोल दिया है। अब आपको ऑयल ड्रेन करने के बाद आप इसको लगा दीजिए, नहीं तो क्या होगा कि उसमें धूल मिट्टी घुस जाएगी। इसी तरह से आप ऊपर कैप को भी लगा दीजिए, नहीं तो उसमें भी धूल मिट्टी घुस सकती है। तो सबसे पहले आपको एक कटोरा लेना है, या आप कंच का या प्लास्टिक का ही ले, धातु का बना हुआ ना ले, क्योंकि ये ऑयल के साथ केमिकल के साथ रिएक्शन कर सकता है। इसके बाद आपको लेनी है छलनी, आटा छलने वाली छलनी का उपयोग आप यहाँ पर कर सकते हैं। बड़ी छलनी हो तो अच्छा रहता है, छोटी से चलने में बहुत टाइम लगता है। इसके बाद आपको लेना है टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर हर घर में मिलने वाली चीज़ है। टिश्यू पेपर ये फोल्डेड रहता है, कई सारी तह में रहता है, इसको आप खोल के सिंगल लेयर इसको बना लेना है। ये ऐसे फोल्ड रहता है, इसको आप सिंगल लेयर बना लेंगे। बना के अच्छी तरह से इस छलनी में आप इसको रख लेना है, चारों तरफ से कोने इसके दबा लेना है ताकि ऑयल ना बिखरे। और करीब आधा ऑयल, 300 से 400 ml के आसपास ऑयल आपको एक बार में इसमें डालना है। डालने के बाद आपको 2 घंटे छोड़ देना है, जैसे वो ऑयल आपका फिल्टर हो जाएगा 2-3 घंटे बाद, फिर आपको बाकी का ऑयल आपको डाल के छोड़ देना है। कोशिश कीजिए कि आप शाम को 4-5 बजे शुरू कीजिए, फिर रात को डाल के छोड़ दीजिए तो सुबह तक आपका फ़िल्टर हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने रात को डाल के छोड़ा था, सुबह तक ये सारा फ़िल्टर हो चुका है, सारा ऑयल नीचे जा चुका है और कितना साफ़ सुथरा दिख रहा है। डालने से पहले आप नीचे वाले बोल्ट को टाइट कर ले एक बार, फिर आप अपना इंजन ऑयल सीधे अपने टैंक में डाल सकते हैं, ऑयल टैंक में आप डाल सकते हैं। सारा इंजन ऑयल डालने के बाद आप डिप लगा के एक बार चेक कर ले कि वो मैक्स लेवल तक पहुंच गया है कि नहीं है। अगर वो मिनिमम तक है या उससे थोड़ा सा ऊपर है तो आप मैक्स लेवल तक उसको पहुंचा सकते हैं और इंजन ऑयल उसमें ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल 5,000 किलोमीटर पे चलने के बाद में चेंज करते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि 2,000 से 2,500 किलोमीटर जब आपकी गाड़ी चल चुकी होती है तब आप इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक बार इंजन ऑयल को निकाल के और फिल्टर कर सकते हैं। इससे 2 फायदे हो गए, एक तो आपको ये पता चलेगा कि इंजन ऑयल कम तो नहीं हो रहा है, दूसरा आपके कुछ ना कुछ हद तक तो आपके इंजन ऑयल की गंदगी साफ होगी होगी। तो अब बात कर लेते हैं नुकसान के। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जब आप 2 बर्तन में इस इंजन ऑयल को डालोगे तो उसमें आप इस पूरे प्रोसेस में आपका करीब 50 ml इंजन ऑयल बर्बाद हो सकता है। ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरा नुकसान इसका ये हो सकता है कि आप पूरा इंजन ऑयल खोले फिर आप बर्तन भी आपके गंदे हो जाएंगे, ये क्या दो, तो इस सारा मेहनत आपकी लगेगी, ये आपको झंझट लग सकता है। हालांकि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। मेरे केस में मुझे अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस करने में मजा आता है, ऐसे काम करने में, तो हो सकता है आपको झंझट लगे, ये इसका एक ड्रॉबैक है या इसका नुकसान है, और कोई इसका नुकसान नहीं है। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो आई है पसंद तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके रिएक्शन है या कमेंट्स है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।